Audio Jungle. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बेच दी हैं तलवारें और ख़रीद लिए हैं मुसल्ले. जब पूरी उम्मत मुसलमान के हुक्मरान इस किस्म का किरदार अदा करेंगे तो फिर जो मज़लूम मुसलमान हैं वो किससे जाके अपनी फरियाद कहेंगे. फिर मुसलमान के पास आखिरी हरबा यही है कि वो अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह फिर मौजज़ा दिखा, ईसा इब्ने मरियम को भेज या फिर इमाम महदी को, क्योंकि तमाम जो हुक्मरान हैं वो नाम के मुसलमान रह चुके हैं. आज हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, मेरी जैसी कई लड़कियाँ हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुजालिम सह रही हैं. कश्मीरियों का क्या कसूर है? इस ये सिर्फ ये कसूर कि वो कश्मीरी हैं, वो रियासत वो ज़मीन उनकी है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम हमारा मजहब और तुम्हारा मजहब अलग है, लेकिन हम लोग उसे इंसानियत का मसला बना देते हैं. हम कहते हैं कि ये नहीं, ये मजहब का मसला नहीं है. अगर ये मजहब का मसला नहीं है तो हिंदुस्तान से लेके इसराइल और अमरीका ये क्यों फलस्तीन में जुल्म करते हैं, ये क्यों लबनान पे इन्होंने हमला किया, क्यों ये सऊदी अरब में अपना नियोम शहर बना रहे हैं, क्यों आप देखें फलस्तीन इराक ईरान शाम लीबिया सूर्या आज जहां पे भी देखेंगे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, फिर भी हम कहते हैं कि ये इंसानियत का मसला है. अगर ये इंसानियत का मसला है तो बताएं कहां पे क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है, कहां पे यहूदियों को मारा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है क्योंकि इस्लाम को खत्म करने की ये कोशिश है. अलामा इकबाल रहमतुल्लाह के कहा करते थे कि कादियानियत यहूदियत का प्रचार है. डेढ़ सदी हो चुकी है कादियानियत ने अपनी जड़ें ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ऐसी पंजे गाड़ लिए हैं और हम सोई हुई कौम. फिर ऐसे ही अलमदीन शहीद और गाजी खालिद पैदा होते हैं. मैं ये नहीं कहती कि वो लोग अगर सामने वाले को कत्ल करते हैं ये इंसानियत का कत्ल है. एक कत्ल चाहे वो किसी का भी आप करें, कत्ल की सजा कत्ल ही होती है. लेकिन जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाम के साथ गुस्ताखी की जाती है तो कोई भी मुसलमान चाहे वो सेकुलर हो चाहे वो कोई भी मुसलमान हो, मुसलमान मुसलमान होता है. जब वो कलमा पढ़ लेता है तो वो मुसलमान होता है. किसी मुसलमान से ये बर्दाश्त नहीं होता. बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो बनाए गए हैं लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता. आज यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में आप चले जाएं, आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे जो हैं वो आने वाली हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो मुल्क का मुस्तकबिल है, उनके जहनों को बदला जा रहा है. 10,000 के करीब हर साल जो लोग हैं वो कादियानियत अख्तियार करके दूसरे मुल्कों में रिहाई नेशनैलिटीज़ के लिए जाते हैं, पैसों की खातिर अपना ईमान बेच देते हैं. क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमने वादे किए, जो उनसे मोहब्बत की, क्या हम वो भूल चुके हैं? इन दुनिया की आसाइशों के लिए हमने जो इतना बड़ा सौदा अल्लाह के साथ किया हुआ है, वो जन्नत का सौदा, वो हम लोग भूल रहे हैं. मुझे अफसोस है तमाम वो हुक्मरान जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं लेकिन वो कश्मीर में होने वाले मजालिम के लिए आवाज़ें उठाते हैं. और मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ महतीर मोहम्मद साहब को भी और तैयब उर्दगान को भी, जिनका सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों के साथ कलमे का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है. मुझे आज भी याद है कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक फलस्तीनी बच्चा हाथ में पत्थर उठाए हुए इसराइली फौज को कह रहा था कि तुम मस्जिद अक्सा को शहीद नहीं कर सकते, तुम हमें मार नहीं सकते क्योंकि हमारा एटम बम पाकिस्तान के पास इमानत है. एक यहूदी मुसलमान के रूप में आता है और मुसलमानों पर रिसर्च करता है तो एक मुसलमान ने पूछा बताओ कि तुमने मुसलमानों में क्या अलग बात पाई. वो कहता है कि दुनिया की हर चीज उनकी तबाह कर दी जाए, उनकी मस्जिद को शहीद किया जाए, उनके कुरान की बेहरमती की जाए, वो बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन जब उनके नबी के बारे में कोई लफ्ज कहा जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करते. तो उस नबी ने ही 28 जहाद अपनी जिंदगी में किए और आज हमारे कश्मीर की माएँ बहनें एक साल से लुट रही हैं. लेकिन जिस तरह आज मैं यहाँ पे आज़ादी से बैठ के बात कर सकती हूँ, मैं एक कश्मीरी हूँ मेरे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग क्यों उनका दर्द महसूस नहीं कर पाते. हमें ये समझ क्यों नहीं आती कि यहूदों नसारा और
मुशरिकीन हमारे दुश्मन हैं, हमारे इस्लाम के दुश्मन हैं। आप देखें फलस्तीन है, इराक, शाम, लुबनान, सब मुल्कों को तो उन्होंने तबाह कर दिया है। अब सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान, कौन सा मुल्क है जिसके साथ उनकी दुश्मनी ना हो। अब मुसलमानों को अपनी आंखें खोल लेने की ज़रूरत है, अपने दुश्मन को और दोस्त को पहचानने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब दाढ़ी रखने वाले मुसलमान नहीं हैं, लेकिन उनसे बेहतरीन मुसलमान कोई नहीं है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।